ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज, सेशन कोर्ट से नहीं मिली जमानत। जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी रिया, ऑर्डर की कॉपी मिलने का इंतजार। अगले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं रिया के वकील। रिया चक्रवर्ती की 22 सितंबर तक है न्यायिक हिरासत, भाईखला जेल में रखी गई है रिया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की भी जमानत अर्जी खारिज, बाकी आरोपियों को भी नहीं मिली बेल। कंगना की ट्विटर वॉर में निशाने पर आई सोनिया गांधी, कहा मेरे साथ हुए बर्ताव पर एक महिला होने के नाते आपको नहीं आया गुस्सा। कंगना का सोनिया से सवाल, कहा अपनी सरकार से नहीं पूछेंगी क्यों नहीं करती संविधान का सम्मान। महिला अत्याचार पर आपकी खामोशी पर इतिहास करेगा इंसाफ, आपकी सरकार महिलाओं को कर रही है परेशान। उद्धव ठाकरे पर कंगना का एक और प्रहार, कहा बाला साहेब को था डर एक दिन गठबंधन कर कांग्रेस बन जाएगी शिवसेना। कंगना ने कहा बाला साहब ठाकरे मेरे आदर्श, अपनी पार्टी की हालत देखकर क्या सोचती होगी उनकी आत्मा। कंगना रनौत को अब ड्रग्स मामले में घेरने की तैयारी, मुंबई पुलिस को सरकार ने दिया जांच का निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने लिखी मुंबई पुलिस को चिट्ठी, कंगना के ड्रग्स कनेक्शन के तार खंगालने के आदेश। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के बयान पर कंगना के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, अध्ययन ने इस मामले से किया किनारा। रामदास आठवले ने कंगना के लिए मुआवजे की उठाई मांग, कहा नुकसान की बीएमसी करे भरपाई। कंगना के मामले पर महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले आठवले, सरकार की कार्रवाई पर बात। कंगना की मां आशा रनौत का बयान, शिवसेना कायर और डरपोक, एक बेटी से डर गई शिवसेना। आज तक के साथ बातचीत में बोली आशा रनौत, महाराष्ट्र सरकार ने गलत किया, सारा देश मेरी बेटी के साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हम हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। दफ्तर के बाद कंगना का घर भी अब बीएमसी के निशाने पर, डिमोलिशन पर स्टे हटाने की अर्जी डाली। कार में पांचवी मंजिल पर है कंगना का घर, यहां कंगना ने 2013 में खरीदे थे 3 फ्लैट। बीएमसी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की तैयारी, करीब 2 करोड़ का हुआ नुकसान। देवेंद्र फडणवीस का कंगना के बहाने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला, कहा कंगना की जगह कोरोना पर दिए अपनी दिखाएं अपनी शक्ति। जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। फडणवीस ने कहा कंगना की बजाय कोरोना पर अगर 50% भी लगाती जोर तो बच जाती सैकड़ों जाने। जयपुर में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगे नारे। चीन के हरे माकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार, एलएसी पर होविजर तोप तैनात। पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर भारत की पकड़ मजबूत, फिंगर फोर पर बढ़ी ताकत। चीन की हर चाल पर भारत की नजर, ऊंचे इलाकों में माउंटेन वॉरफेयर के जवानों की तैनाती। एलएसी पर तैनाती के बीच बातचीत का एक और दौर, चुशूल में दोनों देशों के कमांडरों की बैठक। एलएसी पर जारी टकराव पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री की सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों और एनएसए के साथ बैठक। मॉस्को में भारत की चीन को दो टूक, विदेश मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात। एस जयशंकर ने कहा एलएसी पर हिमाकत कतई बर्दाश्त नहीं। एलएसी पर चीन के उकसावे और आक्रामक अंदाज पर भारत ने चीन से जताया कड़ा एतराज, कहा एलएसी पर चीनी सेना के मंसूबे खतरनाक, अपनी हद में रहे चीन। मॉस्को में 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात में जयशंकर ने एलएसी पर चीनी सेना की भारी तैनाती पर जताई चिंता, कहा ये 1993 और 1996 के करार का सीधा उल्लंघन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी को ताकीद, एलएसी पर चीनी सेना के जमावड़े पर अभी तक नहीं आया कोई ठोस स्पष्टीकरण। भारत ने कहा एलएसी पर सभी नियमों और प्रोटोकॉल का किया पालन, चीन के उकसावे की हरकतों से बढ़ी तनातनी। मॉस्को में भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी कम करने की कोशिश, 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। आपसी मतभेद पर नहीं हो कोई विवाद, एलएसी पर पीछे हटने पर बनी सहमति। दोनों पक्षों ने सभी प्रोटोकॉल और नियम के पालन पर भरी हामी, बातचीत जारी रखने पर हुआ फैसला। बैठक में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमति, सीमा के मुद्दे पर डब्ल्यूएमसीसी की बैठक जारी रखने पर भी सहमति। एलएसी पर अमन चैन के लिए दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने पर भी जोर। मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक पर ओवैसी का ट्वीट, पूछा क्या चीनी सेना वापस जाने को हुई तैयार। यूपी में बढ़ते अपराध पर योगी सरकार का फैसला, 13 IPS अफसरों का तबादला, कई जिलों के बदले गए SP। राम मंदिर निर्माण समिति की दिल्ली में बैठक, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय LNT के अफसरों के साथ नृपेंद्र मिश्र भी करेंगे शिरकत। 9/11 की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, युवाओं और बच्चों से स्वामी विवेकानंद के विश्व भाईचारे के उपदेशों से सीख लेने की अपील।
नई शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की नई नीति से सभी को मिलेगा बेहतर शिक्षा की रोशनी। बिहार में चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी एक्शन में, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे पटना। नीतीश कुमार से भी मिल सकते हैं जेपी नड्डा, सीट शेयरिंग और जेडीयू एलजेपी में तलखी पर हो सकती है बातचीत। रघुवंश प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा, एम्स से लिखी इस्तीफे की चिट्ठी, लालू ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। दरभंगा में यशवंत सिन्हा ने फिर सुशांत वाले पोस्टर पर साधा निशाना, कहा लाश पर राजनीति बंद करे बीजेपी। लश्कर के ऑनलाइन भर्ती मॉड्यूल पर एनआईए की चाची, 24 परगना की तानिया परवीन पर 70 जहादी गुटों से कनेक्शन का आरोप। बड़गाम में सेना के सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी का शव बरामद, 7 सितंबर की मुठभेड़ में हुआ था जख्मी। फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पुंछ के मानिकोट सेक्टर में गोलीबारी। भिंड में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में हंगामा, एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पीटा। अपने संबोधन में शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, सिंधिया ने उन्हें सड़क पर ला दिया। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए जोरदार तैयारी, कोरोना के खतरे को देखते हुए सदन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम। देश में 24 घंटे में 96,551 नए मामले, 1,209 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 45 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। देश में कोरोना से अब तक 70,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 35 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। तेलंगाना में कोरोना के बिगड़ते हालात पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की। तेलंगाना में 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले, 13 मरीजों की मौत, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में सामने आए 4,308 मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने 23,000 से ज्यादा केस, कोरोना केस सामने आए, 448 मरीजों ने गवाई जान। असम में भी कोरोना का कहर जारी, 48 घंटे में 2,747 केस, 36 की मौत। पश्चिम बंगाल में आज लॉकडाउन, सिलीगुड़ी में बंद रखी गई दुकानें। आसनसोल में भी दिखा लॉकडाउन का असर, गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। कर्नाटक के गुलबर्गी में लगातार बारिश से बड़ी मुश्किल, सर्दगी बैराज हुआ ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मौत बनकर गिरी आकाश में बिजली, 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, हत्या की खबर से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक ही परिवार के लोगों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। सिलीगुड़ी के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। यूपी के कौशाम्बी में गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों पर कसा शिकंजा, दोनों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। महोबा में निलंबित किए गए एसपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज, 2 अन्य पुलिस वालों पर भी मुकदमा। बाड़मेर में पुजारी की पत्नी ने लगाया गैंगरेप का आरोप, 3 लोगों पर एफआईआर। होशियारपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज और स्टाफ में भिड़ंत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में 3 सितंबर को हुई डकैती मामले में लड़की के अपहरण को लेकर खुलासा, वो खुद परिचित युवक के साथ घर से गायब हुई थी। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक गिरफ्तार, करते थे लूटपाट। नोएडा के सेक्टर 44 में गेस्ट हाउस में काम करने वाले युवक की लाश मिली, सुसाइड की आशंका। कन्नौज में टावर पर चढ़ा मनरेगा से जुड़ा मजदूर, मेहनताने के बकाया 9,000 नहीं मिलने से नाराजगी। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बच्चे से दरिंदगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के मुंडका में महिला की हत्या, उसके पति पर ही आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज में धमाके के बाद ट्रक में लगी आग, 40 लाख से ज्यादा का नुकसान। चंदौली में मानवरत रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराया बाइक सवार, अस्पताल जाते वक्त हुई मौत। आसनसोल में बकरी चुराने के आरोप में 4 महिलाओं की सरयां पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाई जान। लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली और पुलिस में मुठभेड़, AK-47 और देसी राइफल बरामद। कटनी में शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय के लोगों का प्रदर्शन, रैली निकाली, पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पलामू में स्थायी नौकरी के लिए पुलिस वालों का प्रदर्शन, रांची से पैदल ही निकले, बाद में अधिकारियों ने किया मान मनोबल। वाराणसी में अभिनेता श्रेयस तलपड़े की फिल्म शूटिंग को लोगों ने रोका, भक्ति गाने पर कुहड़ता का लगा आरोप। राजस्थान की पाली में मूसलाधार बारिश के बाद पानी में बहने लगी बाइक, जैसे तैसे बचाते नजर आए लोग। उत्तराखंड के रामनगर में गांव के करीब पहुंची बाघिन की खोज तेज, ड्रोन की ली जा रही मदद। लेबनान की राजधानी बैरूत के एक बंदरगाह में लगी भीषण आग, भयंकर लपटों से लोगों में दहशत। बैरूत पोर्ट पर आग से भीषण तबाही, फायर ब्रिगेड के साथ हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में जुटे। बैरूत में देर तक आग बुझाने के लिए ऑपरेशन, राष्ट्रपति ने जताई आशंका, जानबूझकर रची गई साजिश या फिर तकनीकी खामी का नतीजा।
तेज हवा के चलते फैलती जा रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, अब तक 7 लोगों की मौत। ईरान की सेना ने हरमूज के पास 3 दिनों का सालाना नौसेना अभ्यास शुरू किया। तीनों सेनाएं ओमान की खाड़ी में कर रही अभ्यास। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।